सूर्य नमस्कार। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हो, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हो और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हो। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब सातवें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणि यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। आठवां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। नौवें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। दसवें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। ग्यारहवां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को
सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आएं। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्राणायाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है।